अपनी सुविधा के अनुसार हो। कल आइए 12 मार्च को गर्दनी बांध 10 बजे और आगे की रणनीति यहाँ से तय होगी। करो या मरो, हजारों नहीं पूरे अगर 80,000 अभ्यर्थी हैं तो मैं पूरे बिहार के अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहता हूँ, गर्दनी बांध भर दीजिए, 1 इंच भी जगह नहीं बचनी चाहिए। ट्रेन बस अभी जहाँ भी सुन पा रहे होंगे इस वीडियो को देखिएगा और पकड़ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं बाबी मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। एसटीईटी 2019 के नॉन मेरिट अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है और ऐसे में 12 मार्च को 1 साल होने जा रहे हैं इन अभ्यर्थियों के नोटिफिकेशन के आए हुए। अब जो अभ्यर्थी हैं वो आर पार के मूड में हैं। अभ्यर्थियों का साफ तौर से कहना है कि कल ये लोग गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद सीधे शिक्षा मंत्री के आवास पर जाएंगे और वहाँ क्या कुछ होगा खुद अभ्यर्थी खुद बता रहे हैं। आप पहले उनको सुनिए। एकदम हर हाल में मार्च ये महीना में निकालनी होगी सरकार, मार्च महीने में, और अगर निकाले तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हम लोग को हर हाल में नोटिफिकेशन 7वां चरण का देना होगा, माध्यमिक का, उच्च माध्यमिक का। गर्दनी बांध 10 बजे जो हम लोग को देखिए शिक्षा मंत्री के पास जाने का परिणाम देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, अच्छा से देखिएगा कितने चोटे खाए मेरे अभ्यर्थी घायल। हम ऑलरेडी एडमिट थे 2-3 दिन, सैकड़ों लाठी बरसाया गया। क्या हम अपराधी थे? क्या हम लोग शिक्षक थे, कलम चलाने वाले शिक्षक? बताइए, एक कलम चलाने वाले शिक्षक को इतना बेरहमी से मारा जाता है, इतना क्या पिटना चाहिए? तो मतलब सही था, हजारों छात्र आएंगे, हजारों लाठी खाने के लिए हम तैयार हैं, हजारों छात्र आएंगे, हजारों नहीं पूरे अगर 80,000 अभ्यर्थी हैं तो मैं पूरे बिहार के अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे गर्दनी बांध भर दीजिए, 1 इंच भी जगह नहीं बचनी चाहिए। 38 जिला जो भी है, ट्रेन बस अभी जहाँ भी सुन पा रहे होंगे इस वीडियो को देखिएगा और पकड़ लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। और कल आइए 12 मार्च को गर्दनी बांध 10 बजे और आगे की रणनीति यहाँ से तय होगी। करो या मरो, 7वां चरण नोटिफिकेशन से कुछ कर। मैं कहना चाहता हूँ कि सभी आए और सफल बनाए हमारे। आप बताइए, लड़ने के लिए तैयार है? जितना भी तमाम साथी है, मैं वैशाली जिला से विकास कुमार हूँ, जो भी नहीं आए हैं आज कल आइए जरूर, कहे कि कल हम लोग का लड़ने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। और हमारा एक ही मांग है कि ऑल क्वालिफाइड, चाहे जिस भी सब्जेक्ट को हो, जिस भी कैटेगरी को हो, लास्ट प्रधान पे ही क्यों ना हो, 12 मार्च की नौकरी पक्की तो पक्की। अब गवर्नमेंट अपनी बात से बिल्कुल पक्की तो पक्की कीजिए और हमारा जो जॉब है, हमारा जो हक है, पिछले साल इन्होंने निकाला था। बताइए क्या वैल्यू, आप मंत्री हैं, हम एक आम आदमी हैं, यहाँ से वादा करते हैं, शपथ लिए थे हम 22 जून को, इस सारे अभ्यर्थी को हम हक के लिए लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, वो अभी तक हम कायम है। भाई ये मंत्री जी हैं, इनकी बात की क्या वैल्यू, क्या लगता है 1 साल पहले तो वो क्या बोले थे? एक साल पहले वो बोले थे कि 12 मार्च वो ऑलरेडी जितने पास है 24,599 और 30,000 सीट वैकेंट है 12 विषय का, कुछ हुआ सभी विषयों हुआ बोले थे वो कि जितने पास किए हैं सीट से भी कम पास किए हैं, सबकी नौकरी पक्की, तो बाद में कच्ची कैसे, हमको पक्की चाहिए, कल पक्की चाहिए, पक्की चाहिए। सुना आपने किस तरीके से एसटीईटी 2019 के जो नॉन मेरिट अभ्यर्थी हैं वो अब पूरे मूड में आ गए हैं। उनका कहना है कि बीते 1 साल में सड़कों पर उतरे, पुलिस की लाठियां खाई, विधानसभा का घेराव किया, शिक्षा मंत्री के आवास तक गए, लेकिन अब हम लोगों का जो धैर्य है वो टूट गया है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, सरकार चाहे हमें रोजगार दे या ना दे, हमारी मांगों को पूरा करे ना करे, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो अब जारी रहेगी। फिलहाल बिहार इन शॉर्ट्स में इतना ही, आप देखते रहिए बिहार इन शॉर्ट्स। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, यदि आप ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।